नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पृथ्वी सिंह और आपका स्वागत है स्ट्रेटेजिक्स के तीसरे एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड पॉलिटिकल साइंस कहे जाने वाले महान सैन्य विचारक निकोलो मैकियावेली के बारे में। निकोलो मैकियावेली का पूरा नाम निकोलो डी बर्नार्डो डी मैकियावेली था। मैकियावेली का जन्म इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में सन 1469 ईस्वी को हुआ था। मैकियावेली को वर्ल्ड हिस्ट्री में एक प्रतिष्ठित महान राजनीतिक और सैन्य विचारक के रूप में जाना जाता है। युद्ध कला और राजनीति के बारे में इनके विचारों ने न केवल 15वीं शताब्दी में बल्कि आज के विश्व में भी धूम मचा रखी है, इसलिए इनके विचारों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इनके विचार और अनुभव तत्कालीन परिस्थितियों के कारण जन्मे थे और तत्कालीन परिस्थितियों ने इनके विचारों पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला था, इसलिए इन्हें अपने युग का शिशु की संज्ञा दी जाती है। मैकियावेली ने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर आधुनिक व्यवसायी राष्ट्रीय सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया। अपनी प्रशासकीय और राजनयिक योग्यता के बल पर उन्होंने अपने देश में कई महत्वपूर्ण पद सुशोभित किया। मैकियावेली ने 2000 सैनिकों की सेना लेकर पीसा की घेरेबंदी के लिए तैयारी की और इस घेरेबंदी में उन्होंने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की। मैकियावेली ने आगे चलकर सेना में मनोबल और अनुशासन को महत्व दिया और जिसका परिणाम ये हुआ कि 1509 में पीसा को मैकियावेली के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। मैकियावेली का मानना था कि किसी भी राष्ट्र का जीवन और उसका अस्तित्व बिना किसी मजबूत सैन्य शक्ति के संभव नहीं है। मैकियावेली ने अपने विचारों का संकलन कुछ किताबों में किया था जिनका नाम इस प्रकार है, द प्रिंस, द आर्ट ऑफ वॉर, फ्लोरेंटाइन हिस्ट्रीज, द डिस्कोर्सेज ऑन लिवी एंड लेटर्स। इन रचनाओं में मैकियावेली ने राज्य का कुशल संचालन, युद्ध का स्वरूप, युद्ध के नियम, युद्ध के चालों और युद्ध की कलाओं के बारे में विधिवत वर्णन किया है। इन पुस्तकों में से भी द प्रिंस और द आर्ट ऑफ वॉर बेहद ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। अपने राजनीतिक विचारों को इन्होंने द प्रिंस में संकलित किया है और अपने युद्ध संबंधी विचारों को इन्होंने द आर्ट ऑफ वॉर में संकलित किया है। अपने सैन्य विचारों की मैकियावेली ने निम्नलिखित संदर्भों में व्याख्या की है, शासक का कर्तव्य, सैन्य संगठन की श्रेष्ठता, संपूर्ण सशस्त्र राष्ट्र का समर्थन, अनुशासन का महत्व, युद्ध का स्वरूप, राजनीतिक विचारधारा की योग्यता, सत्ता एवं सैन्य शक्ति का महत्व, सेना का समर्थांत्रिक फैलाव, कूट योजनात्मक चालों का समर्थन, मनोवैज्ञानिक युद्ध का महत्व, निर्णयात्मक युद्धों का महत्व। मैकियावेली के अनुसार एक कुशल शासक को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना बेहद ही आवश्यक है। अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए अन्य राज्यों के साथ मित्रवत संबंध बनाना, अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि करना, जीते हुए राज्यों में अपने उपनिवेश स्थापित करना और उन राज्यों से प्राप्त धन को अपने राजकोष में जमा करना, घेरेबंदी की लड़ाई से बचना और सेना को प्रशिक्षित एवं निपुण बनाने के लिए लगातार प्रयत्न करना राज्य के लिए बेहद ही आवश्यक है। युद्ध के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए मैकियावेली कहते हैं कि युद्ध का समाज से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। उनके अनुसार युद्ध कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं है बल्कि यह समाज का एक अभिन्न अंग है। मैकियावेली के अनुसार कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी मस्ट बी द चीफ एम इन वॉर। रियल वॉर इज अ फाइट फॉर एग्जिस्टेंस एंड इन सच स्ट्रगल एवरीथिंग इज परमिटेड। अर्थात युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु राज्य का पूर्ण विनाश होना चाहिए, क्योंकि वास्तविक युद्ध अपने अस्तित्व के लिए लड़ा जाता है और उसमें सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता है। मैकियावेली संपूर्ण युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक युद्ध पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि वास्तव में वह युद्ध जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को न मारे, जहां नगर नष्ट न किए जाएं और जहां प्रदेश बेकार न हो, वह युद्ध नहीं है। स्पष्ट है
कि वह युद्ध के सभी साधनों के प्रयोग की वकालत करते हैं। मैकियावेली के अनुसार युद्ध लड़ा जाना राज्य के हित में है, क्योंकि कोई भी संगठन स्थिर नहीं रह सकता, उसका या तो विस्तार होगा या पतन, अतः युद्ध हर हाल में लड़ा जाना चाहिए। मैकियावेली के नियमों के अनुसार इफ यू आर एबल टू विन बाय फ्रॉड देन नेवर अटेम्प्टेड टू विन बाय फोर्स, अर्थात यदि आप छल से जीत सकते हैं तो बल का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। सैन्य संगठन की श्रेष्ठता के बारे में मैकियावेली का मत है कि द फाउंडेशन ऑफ स्टेट इज अ गुड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात किसी भी राज्य की आधारशिला उसकी सेना का संगठन होता है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बैटल इज द एंड फॉर विच ऑल आर्मीज आर रेज्ड, इफ अ जनरल विन अ बैटल इट कैंसल्स ऑल अदर एरर्स एंड मिसकैरियजेस, अर्थात युद्ध में यदि सेनापति सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसकी अन्य सभी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। मैकियावेली ने संपूर्ण सशस्त्र राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका मानना था कि राष्ट्र के सभी साधनों का प्रयोग विवेकपूर्ण युद्ध में करा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें राष्ट्र के सभी साधनों की भी परीक्षा होती है। मैकियावेली कहते हैं कि श्रेष्ठ और अस्थायी अनुशासन के लिए मानसिक, नैतिक तथा शारीरिक गुणों का विकास अनिवार्य है। मैकियावेली ने अपने दूरदर्शिता के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था कि अनुशासन के अभाव में सत्ता और सेना सफल नहीं हो सकती। उनका मानना था कि गुड ऑर्डर मेक्स मैन बोल्ड, कन्फ्यूजन कॉवर्ड, फ्यू मैन आर ब्रेव बाई नेचर, बट गुड ऑर्डर एंड एक्सपीरियंस मेक्स मैनी, अर्थात अनुशासन व्यक्ति को बहादुर बनाता है जबकि अनुशासनहीनता सैनिकों को कायर बनाती है। अनुशासन एवं अनुभव अनेकों को बहादुर बनाते हैं, अतः अनुशासन साहस से भी बढ़कर है। मैकियावेली संभवतः विश्व के पहले सैन्य विचारक के रूप में याद किए जाएंगे जिन्होंने बताया कि राजनीति और युद्ध कला का बड़ा ही गहरा रिश्ता है। मैकियावेली की मान्यता है कि द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पावर इज मिलिट्री माइट एंड नॉट मनी। मैकियावेली कहते हैं कि अच्छे हथियारों के अभाव में अच्छे नियम की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मैकियावेली ने तो खुले तौर पर यह घोषणा की थी कि युद्ध इसके नियम और अनुशासन के अतिरिक्त किसी राजकुमार का कोई अन्य उद्देश्य या विचार नहीं होना चाहिए, और ना ही अपने अध्ययन के लिए उसे इसके अतिरिक्त कोई विषय चुनना चाहिए। अपनी पुस्तक द प्रिंस में वे स्पष्ट करते हैं कि नए पुराने अथवा मिश्रित सभी राज्यों का मुख्य आधार अच्छे नियम और अच्छे शस्त्र हैं, और क्योंकि उपरोक्त के बिना पूर्वोक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जहां उपरोक्त होते हैं वहां पूर्वोक्त स्वयं आ जाते हैं, मैं नियमों की बात छोड़कर केवल शस्त्रों की विवेचना करूंगा। हो सकता है कि मैकियावेली ने सशस्त्र सेनाओं, उनके स्थान, स्थिति और कार्यों को अनावश्यक महत्व दे दिया हो, परंतु उनके युग की राजनीतिक स्थिति और उनके इस विचार कि संसार में सभी भविष्यवक्ता विजयी होते हैं और शस्त्रहीन भविष्यवक्ता नष्ट हो जाते हैं को ध्यान में रखते हुए उनका राज्य के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन उचित ही था। मैकियावेली का मानना था कि मुख्य सैन्य दल के रूप में पैदल सेना मध्य मोर्चे पर लगानी चाहिए तथा पैदल सेना तलवारों से लैस होनी चाहिए, दोनों बाजुओं पर अश्वारोही तथा हल्की पैदल सेना होनी चाहिए, तोपखाने के भीषण और ताबड़तोड़ प्रहार से युद्ध की शुरुआत की जानी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना निकोलो मैकियावेली के बारे में, जिन्हें पुनर्जागरण काल का पुरोधा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो
तो एक लाइक तो बनता है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पे या हर जगह पे ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी सलाह है या सुझाव है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।